लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वर्ष 2010 में मंदिर ट्रस्ट के जुड़े गोपालपुरी महाराज के अचानक लापता हो जाने के बाद अब उनके भाई लक्ष्मण महाराज ने मंदिर के महंत वैद्यनाथ पर उनकी हत्या करने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। हालांकि इसके आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका पता पड़ताल होने के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन पहले मंदिर निर्माण और अब हत्या का आरोप लगाने के बाद महंत वैद्यनाथ की मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ गई हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुड़े विवाद में एक अध्याय और जुड़ गया है। गोपालपुरी के भाई लक्ष्मण महाराज का आरोप है कि उसका भाई वर्ष 2010 में गायब हो गया था। वह सालय गांव का निवासी है। पूर्व में वह जवैना से संपर्क किया तो महंत का जवाब था कि वह गायब हो गया है, लेकिन बाद में उसे अखबारों में यह पता चला कि गोपालपुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 9 साल पहले ही वह इस दुनिया को प्यारे हो गए हैं। लक्ष्मण की माने तो वैद्यनाथ नशा और बीमारियों से गोपालपुरी की मौत हुई और उसका दाह संस्कार करने की बात स्वीकार की गई, जबकि गोपालपुरी का भाई उसकी हत्या किए जाने के दावे कर रहा है। मेरा छोटा भाई महंत था गोपालपुरी, तो जी हरिद्वार गया तो जैन ने उसके साथ कोई दुर्घटना करी। किसके साथ? 2010 में। 2010 में किसने किसने करी? महात्मा लोगों ने। तो मुझे बताया कि ना वो नशे में था, कोतवाली चला गया। मैं कोतवाली पहुँचा, कोतवाली में भी 5-4 नाम बताया मुझे, नंबर भी दिया था कोतवाली। तो बाहर से लेके जाया, तुमने बताया कि और तो उसका नशे में वो गायब हो गया, आप कहीं ढूंढो। तो ढूंढते आज तक इतने दिन हुआ अभी तक कोई पता ही नहीं। आज पेपर में पढ़ी वो, आज पेपर में पढ़ी, तुझे बता रहे हैं उनका अंतिम संस्कार कर दो भैया। अच्छा, किसने कर दिया? ये वैनाथपुरी बता रहे हैं कि हमने करा है। जो इस मंदिर के महान थे लक्ष्मी नारायण मंदिर, आपके भाई कहाँ रहते थे? लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या नाम था उनका? गोपालपुरी। अच्छा, जो इससे पहले महंत थे हैं? तो मतलब आपका कहना है कि इनने मरवा के महंत बन गए? मरवा के जब तो ये कह रहे हैं, हमने अंतिम संस्कार कर लिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इनने मरवा दिया। अच्छा, तो कब की घटना है ये? 2010 की है। अच्छा, तो आपको अभी सूचना कैसे लगी? अब ये पेपर में देखी है, पता लगा। तो आप कहाँ पे रहते हैं? हम गांव पे रहते हैं, साला है। सागर साला है, ग्राम साला तहसीलदार हूं। तो आपको सूचना लगी तो आप आए? आए। तो आप क्या चाहते हैं? इसका निराकरण चाहते हैं। ये कहती है उसका संस्कार हो गया, फिर से हुआ, हमें तो आज तक ही जानकारी, हम तो आज तक भूल ही रहे हैं। आपके आपके छोटे भाई थे वो?